बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया है। वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की सबसे पहले खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी सुतापा। इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति, इरफान को सलाम। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया। किसे पता था ये मूवी इरफान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। बड़ी बात यह है कि इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से बॉलीवुड सदमे में। अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में और हर कोई इरफान खान को अपनी तरीके से अंतिम बातें कह रहा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।